तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। लास्ट ईयर दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। बेसिकली एक पार्लियामेंट की कमेटी होती है, पार्लियामेंट की स्टडिंग कमेटी है, स्टडिंग कमेटी। आप सब सबसे पहले तो जानते होंगे कि पार्लियामेंट कई सारे स्टडिंग कमेटी बनाती है जो बेसिकली डिपार्टमेंट वाइज होती है। जैसे कि क्या कह सकते हैं हम, होम मिनिस्टर के लिए अलग से कमेटी हो सकती है, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए अलग से कमेटी हो सकती है। तो वो क्या करते हैं, इनके संबंध में जो बिल वगैरह आते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ऐसी भारत में टोटल पार्लियामेंट में 24 कमेटी बनाई गई है दोस्तों। एक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, 31 मेंबर होते हैं। इसमें से 20 तो क्या होते हैं, सॉरी 21 तो कहाँ से आते हैं, लोकसभा से आते हैं, और 10 मेंबर कहाँ से आते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से आते हैं। तो दोस्तों इस 24 में से एक स्टैंडिंग कमेटी है जो हमारे काम की है। आप सब जानते हो जो यूपीएससी जितनी भी भर्तियां वगैरह कराती है या जितने भी कर्मचारी अपॉइंटमेंट होते हैं, ऑफिसर वगैरह, वो सबके लिए नोडल डिपार्टमेंट कौन सा होता है, तो डिपार्टमेंट वो पर्सनल होता है, कार्मिक विभाग होता है। तो ये स्टडिंग कमेटी थी बेसिकली जो पर्सनल पर्सनल डिपार्टमेंट है ना उसके रिलेटेड, डीओपी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल से रिलेटेड ये पार्लियामेंट स्टडिंग कमेटी थी। इस कमेटी ने अपने 131st 131वीं रिपोर्ट सौंपी है जो किससे रिलेटेड थी। ये बेसिकली जो 131st रिपोर्ट है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कई सारे रिक्रूटमेंट एजेंसी है जैसे यूपीएससी है, एसएससी है, इनका रिव्यू करने के लिए, ये कैसे काम कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है। तो दोस्तों इस कमेटी ने कई सारी रिकमेंडेशन दी है यूपीएससी रिगार्डिंग यूपीएससी के एग्जाम के लिए जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे जो फर्स्ट न्यूज है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ये इस कमेटी ने पाया कि जो यूपीएससी का फ्लेक्सिबल एग्जाम है ना भाई, यूपीएससी एक एग्जाम नहीं कराती दोस्तों, यूपीएससी कई एग्जाम कराती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जिसको हम यूपीएससी कहते हैं, ये यूपीएससी कई सारे एग्जाम कराती है। तो ये कई सारे के बारे में रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। इसका सबसे जो मेन एग्जाम होता है हर साल होता है सीएससी, सिविल सर्विसेज एग्जाम। इसी के माध्यम से यूपीएससी क्या करती है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, ग्रुप ए, ग्रुप बी की कई सारी पोस्टें होती है। इसके अलावा है ना अंडमान निकोबार इनके कैडर की, सब कुछ बड़ी जितने भी बड़े एग्जाम भर्तियां होती है सारी, सब कुछ सिविल सर्विस एग्जाम के माध्यम से होता है। इसके अलावा यूपीएससी और भी एग्जाम कराती है दोस्तों, जैसे सीडीएस का एग्जाम कराती है और भी जियोलॉजी वगैरह का एग्जाम कराती, तो वो उसके बारे में बात नहीं कही गई है। यूपीएससी का जो मेन एग्जाम है सीएससी, उसमें के बारे में इन्होंने कहा है कि जो सीएससी है ना, इसमें रेगुलर आईएएस आईपीएस वगैरह जिससे भर्ती होती है, इसमें जो सिलेक्ट होने वालों में इंजीनियर की संख्या बढ़ रही है। इंजीनियर्स की संख्या क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, ईयरली इंक्रीज हो रही है दोस्तों। इससे क्या इम्पेक्ट होगा, इससे ये इम्पेक्ट होगा कि सपोज करो एक बढ़िया इंजीनियर है आईआईटी में सिविल का, अब वो यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहा है, तो ये जो सेक्टर है ना सिविल का, इसमें अच्छे इंजीनियर नहीं मिल पाएंगे, क्या कर पाएंगे, अच्छे इंजीनियर नहीं मिल पाएंगे। तो ये कमेटी की रिपोर्ट में बेसिकली एक तो ये इंजीनियर की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करी है। तो वो ये हो सकता है कि आने वाले टाइम में एग्जाम में चेंज हो और इंजीनियर का यूपीएससी में सेलेक्ट होना मुश्किल हो जाए। दूसरी न्यूज दोस्तों इसमें है कि दूसरी रिपोर्ट कि जो ये सीएससी का एग्जाम होता है ना, कई बार तो इसको है ना 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी इसको कंप्लीट होने में लगते हैं, ठीक है। तो ये सीएससी जो ये रिपोर्ट ये कहना चाह रही है कि बेसिकली ये प्रक्रिया बहुत लेंथी है, साल में एक बार होती है, ईयर में एक बार होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे फाइनेंशियल शॉर्ट बहुत लगता है। कोई बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है दिल्ली जाके, वो साल भर उसको वहीं डिटेल रहना पड़ेगा। साथ में क्या होगा, इससे साथ में इससे जो जो वो कर्मचारी जो स्टूडेंट है वो और काम कर सकता था, उससे भी उसका इम्पैक्ट डलेगा। तो ये कमेटी ने रिकमेंड किया है कि क्या ये जो पूरी प्रक्रिया होना है वो 6 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब कुल मिला के साल में दो बार यूपीएससी का एग्जाम हो, जिससे क्या हो जल्दी जल्दी हो। अगर 2-3 अड्डे में किसी का नहीं होता तो यूपीएससी की तैयारी छोड़ के कोई और काम करे, यही रिपोर्ट ये कहना चाह रही है। तो सबसे पहले तो हम न्यूज पढ़ेंगे दोस्तों, ये देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है, हाई नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सिलेक्टेड इन सिविल सर्विसेज, जो सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें इंजीनियर ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं। तो क्या करना चाहिए, जो ये कमेटी ने रिकमेंड की कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, सिलेक्शन प्रोसेस कौन से एग्जाम की, सीएससी की सिविल सर्विस एग्जाम की, इसको क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, उसमें और सुधार लेके आना चाहिए। और आप दूसरी न्यूज देख सकते हैं, क्या बदलेगी यूपीएससी सीएससी की भर्ती प्रक्रिया, तो यूपीएससी सीएससी की भर्ती प्रक्रिया बदल सकती है। जो पार्लियामेंट्री कमेटी बोली आईएएस अभी बढ़ने के लालच में अन्य पेशा पर बुरा असर पड़ रहा है, एक अच्छा इंजीनियर है, एक अच्छा डॉक्टर है जो एम्स में पढ़ा है, अब यह बच्चा इधर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो फिर जो अच्छे डॉक्टर मिल रहे हैं वो कहाँ मिलेंगे, अच्छे डॉक्टर की तैयारी कमी हो जाएगी ना दोस्तों। तो यही इस बारे में बात की जा रही है, क्या साल में 2 बार हो सकती है यूपीएससी परीक्षा, पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंडेशन किया है। तो आप सबसे पहले देखिए जो डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है, बेसिकली स्टैंडिंग कमेटियां जो डिपार्टमेंट रिलेटेड होती है, होम की अलग हो सकती है, फाइनेंस की अलग हो सकती है, ऐसे हम जिस टोटल देखो इसमें
इंडिया में टोटल 24 स्टैंडिंग कमेटी है। हर कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, जिसमें से 21 तो लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के होते हैं। इसमें से जो हमारे काम की कमेटी है, जिसने ये रिकमेंड करी है, वो है पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल कार्मिक जो विभाग होता है, पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस। इसकी जो कमेटी है, जिसके चेयरमैन बेसिकली सुशील कुमार मोदी जी हैं। आप इनको जानते होंगे, बिहार के पहले डिप्टी सीएम थे, अभी राज्यसभा के मेंबर हैं। बिहार के क्या थे, डिप्टी सीएम थे पहले, जब बीजेपी का और उसका जेडीयू का गठबंधन था, तब डिप्टी सीएम यही हुआ करते थे। बिहार के फॉर्मर डिप्टी सीएम है, वर्तमान में राज्यसभा के मेंबर है। तो जो ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड लॉ एंड जस्टिस है, इसके जो चेयरमैन है सुशील कुमार मोदी जी, इन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत करी है, जो इसकी 131वीं रिपोर्ट है। आप देख सकते हैं, कमेटी ने जो 131वीं 131 रिपोर्ट प्रेजेंट करी है, जिसका नाम है रिव्यू ऑफ फंक्शनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भर्ती करते हैं ना, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं, यूपीएससी, एसएससी का, ऐसे दो तो मैं मैगजन दो तो ये मोटे हैं, और भी बहुत होंगे। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, इनका जो काम करने का तरीका, उसको रिव्यू करना था इनको, ये कैसे काम कर रहे हैं, क्या इनका काम करने का तरीका अच्छा है, क्या इसमें रिफॉर्म होने चाहिए, इसके लिए कमेटी बनी थी। और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रिकमेंड करी है दोस्तों, बेसिकली मेन तो यूपीएससी के लिए करी है। यूपीएससी का जो मेन एग्जाम कौन सा है, सीएससी। तो कमेटी ने डेटा कमेटी ने क्या क्या डेटा कलेक्ट किया कि 2011 में टोटल आईएएस यूपीएससी में मतलब इंजीनियर कितने सेलेक्ट हो रहे थे और 2020 में कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कंपेयर करके फिर ये अपना रिपोर्ट देगा। तो कमेटी ने डेटा के आधार पर बताया कि हायर नंबर ऑफ इंजीनियर्स गेटिंग सेलेक्टेड एज सिविल सर्वेंट्स, कि जो इंजीनियर सिविल सर्वेंट है ना, उसमें सिलेक्शन इंजीनियर का ज्यादा हो रहा है। सबसे पहले आप ये रिपोर्ट देखो, देखो सबसे मेन डेटा यही है दोस्तों इसका। इसमें ये जो फर्स्ट कॉलम है वो बता रहा है कि एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट का, और 2011 में क्या संख्या थी उनकी, 2020 में क्या संख्या थी। तो आप ये इंजीनियर का देखो, 2011 में अगर टोटल 100 सीएससी में सेलेक्ट हो रहे थे, तो उसमें से 46% कौन से बैकग्राउंड के थे, इंजीनियरिंग के थे। लेकिन 2020 में बढ़ के देखो कितना हो गया, 65% हो गया। आज की डेट में अगर सीएससी में 1000 भर्ती निकलती है, तो 650 तो केवल इंजीनियर बन रहे दोस्तों। पहले ये 46% ही थे, पूर्व में कितने थे, 460। तो एक बहुत बड़ी सरप्राइज क्या है, बहुत बड़ी वो संख्या में बढ़ोतरी है दोस्तों। तो ये कमेटी इसको लेकर चिंतित है कि इतने सारे संख्या में इंजीनियर क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं। मेडिकल का देख सकते हैं आप, डॉक्टर वगैरह का पहले 14% थे, अब 4% हुए हैं। मेडिकल के जो डॉक्टर की संख्या कम हुई है सीएससी में बढ़ने वाले, ह्यूमैनिटी में भी जो 27% थे उनकी भी संख्या में कमी आई है। जो मानवीय विषय से जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया था सीएससी का, उनका सेलेक्ट होने की संख्या में कम आई है। क्यों, क्योंकि सबका कौन किसके पास जा रहा है, ये इंजीनियर के पास जा रहा है। तो इस पे इन्होंने क्या करी, चिंता की है। टेक्नोक्रेट्स वर्ल्ड क्या कर रहे हैं, जो अपने स्पेशलाइज डोमेन है ना भाई, इंजीनियर का क्या होता है, अपना स्पेशलाइज सेक्टर होता है, कोई सिविल में हो सकता है, कोई कंप्यूटर में हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक में, इसको छोड़ के क्या कर रहे हैं, जनरल में आ रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो स्पेशलाइज सेक्टर है, जो जिससे क्या होगा, जो सेक्टर है ना उनका, वो इम्पैक्ट होगा। अगर एक सिविल इंजीनियर है, वो उसको छोड़ के कहाँ जा रहा है, वो उसको छोड़ के यूपीएससी में जा रहा है, तो भाई सिविल में अच्छे इंजीनियर कहाँ से मिलेंगे भाई। वहाँ भी देखो ऐसा होता है ना, जैसे कि कोई इंजीनियर सिविल का यूपीएससी में सेलेक्ट हो रहा है, तो हम जानते हैं कि लो लेवल का बहुत जो बेकार से कॉलेज में पढ़ा होगा वो तो होगा नहीं, सबसे टॉप लेवल के इंजीनियर ही क्या जाएंगे, सिविल में जाएंगे, स्पेशली आईआईटी नहीं है, या तो टॉप आईआईटी से या टॉप एनआईटी के लोग ही ज़्यादातर यूपीएससी में सेलेक्ट होते हैं। तो जब टॉप वहाँ का क्रीम लेयर इसमें यूपीएससी में चल जाएगा सिविल सर्वेंट में, तब फिर उनका उस सेक्टर का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये कमेटी ने ये कह रहा है कि क्या हो रहा, कि दिस ट्रेंड नेगेटिवली इंपैक्ट क्रुशियल सेक्टर, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसका नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा। अच्छे डॉक्टर अच्छे इंजीनियर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अच्छे डॉक्टर एम्स के तो कहाँ जा रहे हैं, सिविल सर्वेंट बन रहे हैं। तो इसका ये क्या होगा, चिंताजनक बात है। तो कमेटी ने क्या रिकमेंड किया, कमेटी ने रिकमेंड किया जो यूपीएससी एग्जाम लेते हैं ना, जो सीएससी की रिकमेंड जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको रिव्यू करो, क्या करो उसको रिव्यू करो, और ज़्यादा ऐसा बनाओ उसको ताकि इंजीनियरों का थोड़ा सा सिलेक्शन कम हो। कंप्रेहेंसिव रिवोल्यूशन ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसीजर फॉर इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम, जो यूपीएससी का सिविल सर्विस एग्जाम है उसमें क्या करो, व्यापक लेवल पर चेंज करना आवश्यकता है, की आवश्यकता है, ताकि इससे क्या हो, इससे इंजीनियर का सिलेक्शन कम हो। तो आने वाले टाइम में आप शायद देख सकते हैं कि यूपीएससी का जो सीएससी एग्जाम है उसमें जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कुछ चेंज हो सकता है, कुछ सिलेबस में चेंज हो सकता है, कुछ पैटर्न में चेंज हो सकता है, ऐसा देखने को मिल सकता है। इसके बाद कमेटी ने दूसरी रिकमेंड की कि जो ये ईयरली एग्जाम होता है साल में एक बार होता है, उसमें भी दोस्तों एक ईयर में कंप्लीट नहीं होती प्रोसेस, कई बार 1.5 साल 1.5 साल कई बार ऐसा लंबा टाइम लग जाता है। तो इससे क्या होता है, एट प्रेजेंट एंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस टेक मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा टाइम लगता है। इससे क्या होता है, जो कैंडिडेट है उसका फाइनेंशियल लॉस होता है,
अगर मेरा एग्जाम 6 महीने में निपट जाता तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊंगा, तो मैं वापस अपने गाँव आ सकता हूँ। लेकिन अगर लंबा चला गया तो मुझे उतना टाइम तक दिल्ली में रहना पड़ेगा, तो मेरा क्या होगा, पैसे का नुकसान होगा। साथ में होगा इरोजन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन। मैंने 2-3 अटेम्प्ट दे लिया, नहीं हुआ तो मैं कोई और काम कर सकता हूँ। लेकिन जो ईयरली होता है उसमें आदमी वेट करता रहता है, कब मेंस होगा, कब इंटरव्यू होगा, अभी तो मेरा इंटरव्यू का वेट करूंगा मैं, तो क्या कर रहा है वो, बाकी सब हाथ कट जाते हैं। ये तो हमने देख रखा है, यूपीएससी की तैयारी में एक बार गया, वो वहीं क्या रह जाता है, बंद कर जाता है, बंद कर जाता है, लंबा चलता है प्रोसेस। तो ये कमिटी ने रिकमेंड किया भाई ईयरली नहीं हो, साल में 2 बार हो, ईयर में कितने बार हो, 2 टाइम ये सीएससी का एग्जाम हो, ताकि जल्दी जल्दी प्रोसेस पूरी हो और जल्दी से आदमी एग्जाम दे ले, 2-3 अटेम्प्ट देगी उसको समझ में आ जाएगी मेरा तो नहीं होगा, तो दूसरी तैयारी कर सकता है या दूसरी कोई और पढ़ाई कर सकता है। तो सबसे पहले तो इन्होंने प्रपोज किया कि भाई ये जो पूरी प्रक्रिया है वो 6 मंथ में कंप्लीट होनी चाहिए। साथ में ये पेन और पेपर का बहुत लंबा लंबा प्रक्रिया होती है, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, इसकी वजह क्या हो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो। वर्तमान टाइम में कई सारे एग्जाम, अब ज्यादातर एग्जाम कहाँ शिफ्ट हो गए, कंप्यूटर बेस्ड हो गए, तो ये यूपीएससी सीएससी को भी क्या करना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड पर सेलेक्ट मतलब शिफ्ट हो जाना चाहिए। एंड प्रपोज द अडोप्शन ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन को अडोप्ट करना चाहिए। तो दोस्तों इतना ही मुद्दा था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।